हेलो फ्रेंड, जैसे कि आप सब जानते हैं कि अकाउंट ओपनिंग शुरू हो गया है, तो आप अकाउंट खोल सकते हैं। अब इसमें कुछ लोगों का प्रॉब्लम आ रहा है कि एटीएम तो मिल रहा है, अब उसको पिन जनरेट कैसे किया जाए। तो आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में दिखाऊंगा कि पिन कैसे जनरेट किया जाएगा। तो सबसे पहले आप अपना फिनो बैंक के जो सीएसपी वाले हैं वो अपना यूजर आईडी लगा के लॉगिन करेंगे। जैसे कि फ्रेंड, हम लोग अपने आईडी में लॉगिन हो चुके हैं। अब हम जो नंबर है, जिस नंबर को हमने एटीएम कार्ड इशू किया है जिस कस्टमर को, तो उसका हम अकाउंट नंबर या मोबाइल नंबर या कस्टमर आईडी जो भी है वो हम डालेंगे। तो जैसे कि मेरे पास एक कस्टमर का मोबाइल नंबर है, तो मोबाइल नंबर डालते हैं। जैसे कि मैंने मोबाइल नंबर डाल दिया हुआ है, अब हम इसको सर्च करेंगे। सर्च करने के बाद में हम उस अकाउंट में जाएंगे जिसका अकाउंट है। ये हमारा अकाउंट खुल गया। अब हम इसमें आप देख रहे हैं कि आपको फिनो टू फिनो अपना बैंक में पैसा भेज सकते हैं, बिल पेमेंट कर सकते हैं, कैश डिपॉजिट का ऑप्शन आ रहा है, कैश विड्रॉल का आ रहा है, रिचार्ज का आ रहा है, मेंटेनेंस का आ रहा है और इंश्योरेंस का आ रहा है। उसके बाद आप मिनी स्टेटमेंट भी देख सकते हैं। तो हमको तो पिन जनरेट करना है कस्टमर का, तो हम उसको सर्विस में क्लिक करेंगे। सर्विस में से जाके नीचे जो आ रहा है, सबसे नीचे डेबिट कार्ड पिन जनरेट, तो हम डेबिट कार्ड पिन जनरेट करेंगे। जैसे कि दोस्तों, तो मेरा डिवाइस इसमें सेट नहीं किया गया है, उसके वजह से कुछ प्रॉब्लम आ रहा है। तो जैसे कि मेरा मशीन जो है, या आपके पास जो डेबिट कार्ड स्कैन करने के लिए, स्केच करने के लिए मशीन होगा, आप उसको यूज कर सकते हैं। तो आप यहाँ से जाके और अपना पिन वेरिफिकेशन के लिए आएगा, उसमें आपको कार्ड अपना पहले स्केच करना पड़ेगा, फिर उसमें आप 4 डिजिट का पासवर्ड अपना डाल सकते हैं, फिर ओपन डाल सकते हैं। उसके बाद कस्टमर का फिंगरप्रिंट वेरिफिकेशन के लिए मांगता है, वो आपको डालना पड़ेगा और आपका पिन जनरेट हो जाएगा। उसके बाद दोस्त, ये नहीं है कि आप जब खाता खोल रहे हैं उसके खोलने के 24 या 72 घंटे के बाद आप एटीएम पिन जनरेट कर सकते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। आप जब कस्टमर को इशू कर रहे हैं कार्ड या अकाउंट खोल रहे हैं, उस टाइम में अगर एटीएम दे रहे हैं, उस टाइम भी आप चाहते हैं तो अकाउंट खुलने के बाद आप पिन जनरेट कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से जब आप अकाउंट खोल रहे हो, एटीएम दे रहे हो, तभी बेटर रहेगा कि आप उसी टाइम कस्टमर का पिन जनरेट कर दें, तो बेटर रहेगा। तो जैसे कि दोस्त, हमने आपको बताया है इसके बारे में कि आप पिन जनरेट कैसे कर सकते हैं। बाकी के लिए हम अगले वीडियो में आपको और कुछ बताएंगे। इसके लिए थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।